हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिक वैल्यू है और फोर्स का डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसमें फोर्स एक्ट करती है। हमने इस एग्जाम्पल को लिया था जहां 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड की फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में डेस्क पर एक्ट कर रही थी और फिर 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड की फोर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। ध्यान दें कि न्यूटन को एन से डिनोट किया गया है और ये फोर्स की यूनिट है। लेकिन क्या किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर सकती है? जी हाँ, वास्तव में लगभग सभी एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं ऑब्जेक्ट पर हमेशा एक से ज्यादा फोर्स एक्ट करती है। इसके अलावा फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर सकती है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट करती है तो वो कैसे बिहेव करेगा, चलिए हम देखते हैं। उदाहरण के लिए इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लें। इस पर ऊपर के डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और नीचे की डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। क्या ऑब्जेक्ट हिल रहा है? यदि हाँ तो ये किस डायरेक्शन में हिल रहा है? इसका जवाब है कि ये कहीं नहीं जा रहा है। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रही है। ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाली दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है। उनकी डायरेक्शन क्या है? एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और दूसरे ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसलिए दोनों ही फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां ऑब्जेक्ट पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रही हैं। ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है क्योंकि ये इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। क्योंकि फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, हम कहते हैं कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है। अब इस दूसरे ऑब्जेक्ट को देखें। ऊपर की डायरेक्शन में इस पर 15 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और नीचे की डायरेक्शन में 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। क्या यहां फोर्सेस बैलेंस में है? नहीं, ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं। यहां नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर नेट फोर्स कितनी होगी? जी हां, ये नीचे की ओर 5 न्यूटन होगी। 20 - 15 5 है और जैसे कि नीचे की ओर फोर्स मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, नेट फोर्स नीचे की ओर 5 न्यूटन होगी। इस ओर ऑब्जेक्ट हिलेगा, नीचे की ओर। यह हमें बताता है कि अगर दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं तो उस पर एक्ट करने वाली नेट फोर्स दोनों ही फोर्सेस के बीच का अंतर होगी। पहले ऑब्जेक्ट के लिए दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन था और वे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे। ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 10 - 10 थी जो कि जीरो है। आइए एक और एग्जाम्पल देखें। अब इस इमेज को देखें और इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाली नेट फोर्स को खोजने की कोशिश करें। इस केस में भी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन इस बार फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। इस केस में नेट फोर्स ऊपर की दिशा में 15 न्यूटन होगी। एक ही डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाली फोर्सेस एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती हैं। यह है इसका एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आप एक बहुत भारी लोड को हिलाना चाहते हैं और आप अकेले इसे हिला नहीं पाते। आप क्या करोगे? आप मदद लेंगे, राइट? तो आप और आपके दोस्त एक साथ मिलकर लोड को आसानी से हिला लेंगे। इसका क्या कारण है? यहां दो फोर्सेस डेस्क पर एक्ट कर रही थी, आपकी और आपके दोस्त की, और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। दोनों ही फोर्सेस ने साथ मिलकर ज्यादा नेट फोर्स प्रोड्यूस किया। याद रखें, अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं तो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स दोनों फोर्सेस के बीच का डिफरेंस होगी, और अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती हैं तो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स दोनों फोर्सेस का सम होगी।